हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं SGOT SGPT की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। आज हम अपनी वीडियो में बताएंगे कि SGOT और SGPT की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं अपनी बायोकेमिस्ट्री मशीन में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो में। ये रही हमारी बायोकेमिस्ट्री मशीन और ये रहा SGPT SGOT का लिटरेचर, जिसमें हम पैरामीटर जिसकी सहायता से हम पैरामीटर सेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टेस्ट पैरामीटर में जाना होगा, जिसके लिए हमें 2 दबाना है। ठीक है, उसके बाद हमें SGPT पे एंटर करना है। इसके बाद ये हमारा पैरामीटर सेट करने का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है इसमें मोड, तो इसमें क्या आ रहा है मोड में। तो ये आ रहा हमारा सब मोड, मतलब रिएक्शन टाइप में आ रहा है काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब है रेट ए, तो हमें मोड में रेट ए रखना है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है फिल्टर वन मतलब ये रहा, इसमें रहा वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ आ रही है इसमें 340, तो हमें यहाँ पर 340 करना है। ठीक है, फिल्टर टू में हमें 0 0 करना है और रीजेंट ओडी में 0 करना है, या आप चाहो तो रीजेंट को लाकर उसकी रीडिंग ले सकते हो। तो ठीक है, मैंने तो इसको 0 कर रखा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा। आगे हमें देखना है फैक्टर सेट करना है हमें। ठीक है, फैक्टर के लिए हमें देखना है कि हमारा फैक्टर इसमें कितना दिया हुआ है। तो ये रहा हमारा फैक्टर 1746। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 1746 करना है। स्टैंडर्ड इसमें होता नहीं है तो उसे हमें लगाना नहीं है, तो इसके लिए हमें 0 करना है। ठीक है, नेक्स्ट उस पर जाते हैं। डिले टाइम होता है इसका, इसमें देखते हैं डिले टाइम है इसका 60 सेकेंड। ठीक है, और इसका नेक्स्ट है रीडिंग रीडिंग टाइम। तो रीडिंग टाइम के लिए हमें रीड टाइम ये आ रहा है 180 सेकेंड, तो यहाँ पर हमें 180 सेकेंड करना है। इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है मिनिमम 0, ठीक है, और मैक्सिमम 40, मैक्सिमम 40 या 35। ये 35 जो है वो SGOT की है। यहाँ पर हमें चालीस की जगह 35 करना है। ठीक है, ये जो रीडिंग है ये SGOT का पैरामीटर सेट कर रहे हैं अब। उसके बाद हमें नेक्स्ट उस पर जाना है, ऑब्जर्वेशन लिमिट। ये सारी यहाँ पर देखना है इसका टेम्परेचर कितना है। तो रिएक्शन टेम्परेचर है यहाँ पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 37 करना है। यूनिट IU पर लीटर में करना है, यूनिट इसका ये IU पर लीटर में होता है। ठीक है, इसके लिए आगे बाकी एंटर करते हैं तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पर DEC करना है, रीजेंट एब्सोर्बेंस लिमिटेशन 0.8 दे रखी है, तो यहाँ पर 0.8 करना है। मैक्सिमम और मिनिमम देख, ठीक है, 0.5 करना है। और लीनियरिटी इसकी है 300, तो इसकी हमें लीनियरिटी यहाँ पर देखनी है, इसमें कितनी दी गई है। लीनियरिटी दी गई है इसमें 300, तो यहाँ पर हमें लीनियरिटी करनी है 300। सैंपल वॉल्यूम देखना है, सैंपल वॉल्यूम इसमें दिया गया है 1000 में 100, 1000 में 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 500 में 50 रखना है।
और R2, R1, R1 और R2 वॉल्यूम कितना रखना है? R1 और R2 वॉल्यूम हमें रखना है 400, 100। R1 जो लेते हैं हम 400 लेते हैं और R2 लेते हैं 100। नेक्स्ट इस पे एस्पिरेशन वॉल्यूम इसका रखना है हमें 450, जो हमारी मशीन का एस्पिरेशन वॉल्यूम होता है वो 450 रखना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों को 0 0 0 करना है, ठीक है। फिर एंटर करके नेक्स्ट पेज पे जाना है, यहाँ पर भी हमें 0 रहने देना है, ठीक है। उसके बाद हमें फंक्शन की की को दबा दबा के रखना है। ये हमारी फिर हमारे सारे पैरामीटर सेव हो चुके हैं, ये जो भी हमने वैल्यूज़ दी हैं वो सारी सेव हो गई हैं। इसके बाद हमें रन टेस्ट पे जाना है और SGPT पे जाना है और यहाँ पर हमें अपना टेस्ट लगाना है। ये हमारी हमारी SGOT SGPT की SGOT SGPT का प्रोग्रामिंग सेट हो चुकी है, तो यहाँ से हम अब अपने टेस्ट को लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब